अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने नेम का या कोई भी आप टैक्स लिखते हैं तो उसका जो स्टाइल है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि आप इन चीज़ों के लिए कोई भी आपको यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है, मसला होता है कि आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, तो उसके बावजूद भी आपको फिर पता नहीं लगता कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो काफ़ी यानी कि आपको प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए ये जो है बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके पास जैसे पिक्सल ऐप है या पिक्स आर्ट है, तो उसके ऊपर हमने कैसे जो अगर किसी फंड को ऐड करना है तो वो कहाँ से डाउनलोड करते हैं, उसे कैसे ऐड करते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो उन दोनों के मैं जो वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था, वेबसाइट पर हम कैसे बआसानी तरीके से किसी भी टैक्स का या अपने नेम का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, वहां से कॉपी कर सकते हैं, तो एक ही यानी कि एक ही बार लिखने से नीचे हमारे काफ़ी स्टाइल आ जाते हैं, तो हम वहाँ से कैसे कॉपी कर सकते हैं, तो उसका मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना ताकि आपको ठीक तरीके से समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जाएंगे गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे लिंगोजैम। तो हम जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको जो एक वेबसाइट दिखाई देगी lingojam.com, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो नॉर्मल टैक्स के ऊपर आपने कुछ भी लिख देना है, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। ताहिर मैंने लिखा, तो जो स्टाइल होंगे वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं, ये देखें काफ़ी सारे स्टाइल आ चुके हैं। तो आप इधर से कोई भी कॉपी कर सकते हैं, जैसा कि मैं ये वाला कॉपी करके आपको दूसरी जगह पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। इसको हमने कॉपी किया तो हम जाएंगे मैसेज में। यहाँ पे हमने पेस्ट किया तो यहाँ पर भी आ चुका है। तो इस तरह से आप फेसबुक के पोस्ट वगैरह करते हैं तो उसके ऊपर भी आप टैक्स इस तरह का दे सकते हैं। तो उसके अलावा व्हाट्सएप मैसेंजर पर और मैसेजिंग पर भी आप इस तरह कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हैं। तो मैं फिर आपको क्रोम में जाकर जो नेम है वो कोई और लिख कर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मैंने यहाँ पे सुल्तान लिखा है, तो ये देखें सुल्तान के जो हैं काफ़ी सारे वो भी स्टाइल चेंज हो चुके हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से आप कोई भी जो है वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं ये भी आपको कॉपी करके मैसेजिंग में पेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे भी ऐसे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप फॉरेन में अच्छे अच्छे स्टाइल निकाल सकते हैं और किसी भी व्हाट्सएप मैसेंजर फेसबुक पोस्ट पर पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें।